What's up guys, welcome back to the channel, this is Sunny here and welcome back to another Moto Talk. ज्ञान का भंडार है तो बटोर लो. एंड आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्विक शिफ्टर की. नाउ आफ्टर आई डिड द स्लिपर क्लच वीडियो, मतलब सबसे ज्यादा जो मैसेजेस मेरे पास आए थे वो आए थे क्विक शिफ्टर पे, कि हाउ डज क्विक शिफ्टर वर्क, मतलब वो करता क्या है, कैसे काम करता है. तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से. तो Nowadays, if you realize, motorcycle और एक कंप्यूटर में ज्यादा फर्क है नहीं. ठीक है, एक टाइम था जब मोटरसाइकिल बहुत रॉ हुआ करती थी, जैसी मेरी हाली है या बहुत सी पैसे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम होते थे, यू नो. बट nowadays, a bike and a computer are almost the same, because जैसे कि कंप्यूटर में एक CPU होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है, सब कुछ होता है. आजकल मोटरसाइकिल्स में भी सेम चीजें होती, यू नो, CPU, ECU, जो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इंजन कंट्रोल यूनिट, सब मोटरसाइकिल्स में होते हैं. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच इज एनेबल्ड टू A lot of motorcyclists and motorcycles, a host of new features. मतलब कि इस chip की वजह से बहुत सारे नए features हैं जो आप अब add कर सकते हो in every motorcycle. Alright, so obviously आप जितनी महंगी motorcycle लोगे, most probably उसमें features उतने ही ज़्यादा होंगे, because well technology उतनी ज़्यादा use की गई होगी उसमें. Now when it comes to quick shifter, it is very simple. You know, बहुत सी motorcycles में आप उसको add-on accessory भी कर सकते हो, but आजकल की date में बहुत सी super bikes हैं जिनमें वो already आता है. ठीक है, सो क्विक शिफ्टर का काम ये होता है, इट्स बेसिकली यूज टू अपशिफ्ट अ गियर, मतलब गियर ऊपर करने के लिए यूज होता है, मतलब पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, पांचवें में, छठे में, ऑल द वे फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स्थ. ऑलराइट, एंड द वे इट वर्क्स इज वेरी सिंपल. सो अगेन, देयर इज अ चिप, एक कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जो कि कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, यू नो, जब आप गियर शिफ्ट करने वाले हो तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आप गियर शिफ्ट कर रहे हो, आप क्लच दबाते हो, एक्सीलेटर थोड़ा सा छोड़ते हो और फिर गियर शिफ्ट करके वापस, बहुत स्प्लिट सेकंड में काम करता है. हमारी बॉडी ये काम करती है हमारी मोटर स्किल्स की वजह से. ऑलराइट, आपकी मोटर स्किल्स, जैसे भी मोटर मसल्स आपकी किक इन करती है, वो ऑटोमेटिकली आप कर देते हो, एक टाइम के बाद आपको ध्यान नहीं देना पड़ता. जब आप सीख रहे होते हो तो आप ध्यान देते हो कि हाँ, मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, क्लच छोड़ रहा हूँ, बट एक टाइम के बाद वो जरूरत नहीं पड़ती. सिमिलरली, जैसे कि वो हमारी चिप जो अंदर है खोपड़ी में हमारे, वो काम करती है, सिमिलरली कंप्यूटर में जो चिप होती है, जो कंप्यूटर बेसिकली तो चिप मोटरसाइकिल में लगी हुई है, उसका काम ये होता है कि व्हेन यू गियर शिफ्ट, ठीक है, एंड क्विक शिफ्टर का बेसिकली मतलब ये है कि आप 50 मिली सेकेंड्स के आसपास शिफ्ट कर सकते हो, यू नो, मतलब दैट इज द स्पीड एंड प्रिसीजन इट ऑफर्स. अब होता यह है कि जैसे आप शिफ्ट करने वाले होते हो, वो इग्निशन कट कर देता है, इट कट्स ऑफ द इग्निशन फॉर अ वेरी वेरी फाइन अमाउंट ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल 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 स्प्लिट सेकंड के लिए इग्निशन कट कर देता है, फ्यूल सप्लाई कट कर देता है, या फिर क्लच डिसएंगेज कर देता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सेंसर्स और डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट ब्रांड्स यूज. अब जैसे ही वो ये करता है, लोड कम हो जाता है ट्रांसमिशन पे से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अनलोडिंग. ठीक है, तो जैसे लोड कम होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो गियर है, ठीक है, इट इज इजियर फॉर इट टू स्लिप इन, वो लगना बहुत आसान होता है और वो लग जाता है. नाउ दिस इज हाउ क्विक शिफ्टर वर्क्स. आई नो इट इज वेरी सिंपल, राइट, दो सेकंड में सबको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करो और मुझे बताओ, मैं और जितना सिंपल हो सकता है मैं बता सकता हूं, बट अगर एक भाषा में और एक सेंटेंस में फटाफट बताओ, तो क्विक शिफ्टर का काम बेसिकली ये होता है कि एक चिप होती है जो कि थ्रॉटल को या फिर आपके इंजन को थोड़ी सेकंड के लिए डिसएंगेज करती है, फ्यूलिंग कट कर देती है, या तो फिर क्लच को डिसएंगेज कर देती है, जिस वजह से लोड कम पड़ता है ट्रांसमिशन पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट लेसर लोड द न्यूअर गियर स्लिप्स इन मच इजीली, बहुत आसानी से वो नया गियर लग जाता है. ऑलराइट, बट द क्विक शिफ्टर वर्क्स ओनली अप शिफ्ट में. डाउन शिफ्ट में क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑटो ब्लिपर, लेकिन वो बात की एक वीडियो के लिए. सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. अगर ये वीडियो पसंद आया मोटो टॉक का, तो प्लीज एक लाइक बटन तो ठोक डालो, और मंदिर में आए तो घंटा तो बजा ही डालो यार, मतलब सब्सक्राइब करो, घंटे का वजन बजा डालो, एंड कुछ कमेंट हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार पीपल, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, चाओ.